इसके गाइस हम बात कर रहे थे लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के ऊपर और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन, ये तीन लाइनें गिवन है, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसके अंदर मैंने कोई जो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन होती है कि हम कहते हैं कि हमारे पास L1 प्लस हमारे पास K मल्टीप्लाई करवाते हैं हम L2 लाइन के साथ, तो ये चीज़ मैंने कोई इस्तेमाल नहीं करी थी और डायरेक्टली हम जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो सिंपल मेथड हम कहते हैं जो हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं उनकी मदद से सॉल्व किया था, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जो है ना हम ऑर्थो सेंटर जो है ट्राइंगल का वो हम इसके तहत फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो देखिए ऑर्थो सेंटर बताता हूँ क्या होता है। देखिए ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होती है, अगर उसका हम हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है अगर उसका हम क्या कहते हैं एल्टीट्यूड ग्रो करें। एल्टीट्यूड क्या होता है कि हम कोई भी वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड जो होती है उस पर परपेंडिकुलर ग्रो करें। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये 90 एंगल बनना है और ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं एल्टीट्यूड सारे कंकरेंट होते हैं, यानी वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, यानी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक होता है, यानी सेम पॉइंट से वो पास करते हैं तीनों, कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि वो कोई एक ही पॉइंट से दो से ज़्यादा लाइन पास करती हैं, ठीक है, थीके? अच्छा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड जो होते हैं वो ट्राइंगल की क्या होते हैं कंकरेंट होते हैं, ये मैंने प्रूव किया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हम किसको कहते हैं कि हम कोई भी ट्राइंगल लेते हैं उसका हम एल्टीट्यूड ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वही हमारे पास क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑर्थो सेंटर या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या आपके पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो सिर्फ ट्राइंगल के अंदर ही मीट करे। हो सकता है कि हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसी शेप की हो कि हमारे पास ये तीनों जो लाइन है वो बाहर मीट करें, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल के अंदर बने, ठीक है। ये तो बस पुरजा से काफ़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि हमारे पास हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, और वो ट्राइंगल इन जो ये जो हमारे पास तीन लाइनें हैं इसको मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास L1 लाइन है, ये मेरे पास L2 लाइन है और ये मेरे पास L3 लाइन है, इनकी मदद से बन रहा है। कैसे बन रहा है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वो मैं कह लेता हूँ मेरे पास ये वाली बननी है, ये वाली जो है मेरे पास मैं कह लेता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाली बननी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अगर सही कर लूँ, मैं कह लेता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास ये बननी है, ठीक है। और हमारे पास जो एक और ये जो इक्वेन 3 है वो हमारे पास ऐसे पास करिए। अब देखिए ये तीनों इक्वेन जब बन रही है तो वो क्या बना रही है, एक ट्राइंगल ही बना रही है। तो वो इसने यही कहा है कि ये जो तीन इक्वेन है वो मिलकर क्या बना रही है, हमारे पास ट्राइंगल बना रही है कोई, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बनाई है आपको समझाने के लिए, ताकि आप ग्राफिकली समझेंगे तो आपको बात ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास तीन पॉइंट है इसके, ठीक है। ये मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास ए, ये हमारे पास बी और ये सी पॉइंट, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी नाम रख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि याद ध्यान ही रहे। इक्वेनों के नाम रख लेता हूँ, सॉरी लाइनों के नाम, जो इक्वेन थी ये हमारे पास इक्वेन 1 जो मैंने इसको कहा था ये इक्वेन 1 थी, यानी L1 लाइन इसको मैंने कहा था। ये हमारे पास, बल्कि मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, ये मेरे पास क्या थी L1 लाइन थी, इसको मैंने कहा था ये L2 लाइन है, और ये वाली थी मेरे पास L3 लाइन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गई, तीन लाइनें आ गई हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, यानी ऐसे अगर मैं ग्रो करूँ तो ये परपेंडिकुलर बना, और ये ऐसे ग्रो करूँ तो ये परपेंडिकुलर बना, ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ऑर्थो सेंटर वो फाइंड आउट करना है, ये है ऑर्थो सेंटर। अब ये फाइंड आउट कैसे करें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये एल्टीट्यूड ग्रो हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड, ये येलो लाइन है, तो हमें कम से कम दो एल्टीट्यूड चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास दो
यानी हमारे पास अगर हम तीन, हमें जो लाइनें होती है तीन एल्टीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ये दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर ही तीसरा एल्टीट्यूड भी इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें दो एल्टीट्यूड ही मिल जाए, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी एक्स और वाई कोई भी पॉइंट होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें जो चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की इक्वेंट चाहिए होगी, जो कि हमारे पास ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये एल्टीट्यूड को हमारे पास कैसा आएगा, देखिए मैं दो एल्टीट्यूड बनाता हूँ, एक एल्टीट्यूड मैं इसको कह लेता हूँ, एक ये वाला एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है, और एक एल्टीट्यूड मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो ये वाला आ गया, ठीक है, कोई सा भी कह लेता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, दो एल्टीट्यूड ले लेता हूँ मैं कोई से भी, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे एल्टीट्यूड की क्या चाहिए होंगी, इक्वेंट चाहिए होंगी। अच्छा ये हमारे पास जो ये वाली एल्टीट्यूड है इसको मैं क्या नाम देता हूँ, देखिए ये ए पॉइंट से पास कर रही है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको, मैं इस एल्टीट्यूड को नाम देता हूँ, इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये हमारे पास ये एल टू लाइन और एल वन लाइन से पास कर रही है ये एल्टीट्यूड, ठीक है ना, ऐसे सेंटर से, इस लाइन को मैं कह लेता हूँ एल ए लाइन, क्योंकि हमारे पास ये ए पॉइंट से पास कर रही है, तो एल और एल, एल यानी लाइन और ए यानी ए पॉइंट से पास कर रही है, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी से पास कर रही है इसको और एक्सटेंड करके, इसको नाम दे लेता हूँ एल बी, नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई कौन सी इनकी स्लोप भी हमें चाहिए होगी और बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, ताकि हमें याद रहे कि हम किसकी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास, हमने फैमिली ऑफ लाइन में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई पेरेंट लाइन हो, दो कोई भी हमारे पास लाइन हो, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास क्या L2 है, अगर इसके अंदर से थर्ड लाइन हमारे पास गुजर रही हो, थर्ड लाइन गुजर रही हो, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास इसके तहत फाइंड आउट करते हैं, क्या L1 प्लस हमारे पास K मल्टीप्लाई करवाते हैं L2 के साथ और इक्वल टू जीरो। अभी K क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो हमें बताता है कि ये जो थर्ड लाइन होगी वो क्या होगी, ठीक है ना, ऐसे अभी हम नहीं बता सकते, हमें क्या चाहिए होगी, हमें इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बात बेहतर आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है। देखिए ये जो फैमिली ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट है, इसके कंसेप्ट लेक्चर और उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने बिल्कुल ब्रीफली समझाया क्वेश्चन को, क्वेश्चन भी करके दिखाया उसके अंदर बहुत अच्छी तरह समझाया, और मैंने उसके अंदर इसका जो कंसेप्ट लेक्चर था उसके अंदर भी बहुत डिटेल से बताया, तो वो आप देखिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर आपको और बेहतर अच्छी बात समझनी है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं एल ए लाइन फाइंड आउट करता हूँ। अब एल ए लाइन जो होगी, एल ए लाइन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास जो है, हमारे पास ये वाली लाइन, ये जो ग्रीन वाली दो लाइन है हमारे पास, ये एल वन लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी एल टू लाइन है, इस फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे पास एल वन प्लस के मल्टीप्लाई एल टू, इन दो लाइनों का मैं इसके अंदर पुट करूँगा, तो मेरे पास ये जो थर्ड लाइन जो कि एल ए लाइन है वो मुझे मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, उसके लिए मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, तो वो मैं देखूंगा वो मेरे पास क्या होगी। अब ये लाइन हमारे पास देखिए ऐसे पास कर रही है, हो सकता था ये लाइन ऐसे पास करे, हो सकता था ये लाइन ऐसे पास करे, अब ये बिल्कुल ऐसे ही पास करेगी, तो ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वजह से पता चलेगा, ठीक है। पहले सॉल्व करता हूँ इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एल वन लाइन क्या है हमारे पास, ये एल वन लाइन, तो L1 जो लाइन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास x प्लस y, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस k मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, L2 के साथ, तो L2 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास L2 है, तो L2 है हमारे पास x इक्वल टू टू, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये लिख सकता हूँ ना, और y की कोई वैल्यू नहीं है, तो y में ये ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, हमारे पास प्लस k मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x के साथ, फिर हमारे पास k माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस ये k को पहले लिखता हूँ, ठीक है, और हमारे पास फिर प्लस हमारे पास y, फिर हमारे पास माइनस k टू इक्वल टू जीरो। x कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, वन प्लस के, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस वाई माइनस हमारे पास के टू इक्वल टू जीरो। तो ये वो इक्वेन थी, किसकी इक्वेन आएगी, ये मेरे पास ये फैमिली ऑफ जो लाइन है एल वन लाइन और एल टू लाइन है,
इनमें से कोई हमारे पास थर्ड लाइन जो पास करी है उसकी इक्वेशन आ गई है, जो कि हमारे पास कौन सी वाली लाइन है, वो येलो वाली लाइन है। मगर अब ये लाइन ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही, कैसे पास कर रही है, अब यही वाली लाइन पास कर रही है, तो इसके लिए हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो हमें बताएगा ये लाइन पास किस तरह से कर रही है। ये फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा है, हमें ये तो पता चल गया एल लाइन, ठीक है ना। हमने इसको मान लिया कि जो के हमने एडिशनल इसमें मल्टीप्लाई करवाया वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मगर ये लाइन पास किस तरह से करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, किस तरह से करेगी, तो ये हमें के की वैल्यू बताएगी। अब हमारे पास ये क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई है, ये इसको मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास एल ए लाइन की क्वेन आ गई है, ठीक है, एल ए लाइन की क्वेन आ गई। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वाई सेपरेट करता हूँ, बल्कि मैं एक्स, और हमारे पास ये एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स, यानी हमारे पास होता है ना ए एक्स, यानी हमारे पास ये ए लिखा हुआ है, और हमारे पास ये वाई, यानी हमारे पास प्लस बी वाई, यानी वाई हमारे पास ये रहा, और इसके साथ कोफिशिएंट वन है तो ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरे पास जो y जो है ना इसको मैं इधर ही रखता हूँ और इस चीज़ को उठा के राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा y इक्वल टू हमारे पास माइनस एक्स, और हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, वन प्लस के, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ बाहर वाला ही होगा, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस टू कह रहा है तो हमारे पास प्लस के टू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अब हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, एल ए, यानी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन। अब ये हमारे पास क्या आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास स्लोप क्या है, ये हमारे पास स्लोप आ गई है इस लाइन की, और हमारे पास ये क्या आ गई है, उसके इंटरसेप्ट, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस लाइन से पास कर रही है, या मैं ये कह सकता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वाली जो लाइन L1 और L2 से पास कर रही, LA लाइन जो पास कर रही है वो हमारे पास किसी BC जो लाइन है ये वाली उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें मालूम हो गया कि ये वाली जो लाइन है, ये जो येलो वाली लाइन है LA लाइन, ये हमारे पास इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमें क्या मिल गई है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास ये L3 लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो L3 लाइन की स्लोप क्या होगी, ज़रा मैं देख लेता हूँ। तो L3 लाइन की इक्वेशन क्या है, तो वो है हमारे पास x माइनस फोर, बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, इस x को खा के राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो हमारे पास प्लस ट्वेल्व इक्वल टू हमारे पास y, और जो y के साथ जो 4 है वो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो मेरे पास y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर 4x प्लस हमारे पास 3। अब हमारे पास ये जो स्लोप आई है, ये जो स्लोप आई है वो किसकी आई है, L3 लाइन की, L3 लाइन की स्लोप आ गई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं इरेज करूँगा, ये मेरे पास जो स्लोप आई है हमारे पास क्या आई है, 1 ओवर 4 हमारे पास स्लोप किसकी आ गई है, मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पास M3, यानी ये L3 लाइन है तो इसको मैं M3 कह लूँगा, सही है ना। M3 लाइन की जो स्लोप आई है वो मेरे पास बराबर आई है 1 ओवर 4 के, ठीक है, 1 ओवर 4 के, वो भी माइनस में, ठीक है, बल्कि माइनस में नहीं प्लस में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आई है, किसकी स्लोप आई है, M3 के, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एल ए लाइन गुजर रही है, एल ए लाइन गुजर रही है, ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप मैं फाइंड आउट करूँगा, तो वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी एल ए जो लाइन है इसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी। तो मुझे एक बात मालूम है, कि मेरे पास एल ए एम ये जो लाइन है इसकी स्लोप मल्टीप्लाई हमारे पास M3 स्लोप इक्वल टू माइनस वन के बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइनें कोई परपेंडिकुलर होती है तो उनके आपस में स्लोप क्या होती है, माइनस वन के बराबर। तो मेरे पास L3 लाइन की इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने इसकी स्लोप निकाल ली, जो कि मेरे पास ये है। तो मेरे पास जो LA लाइन है ये वाली, इसकी मैं स्लोप निकाल लूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, देखिए LA लाइन मल्टीप्लाई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई हमारे पास 1 ओवर 4 और इक्वल टू माइनस वन, और एल ए लाइन की जो हमारे पास स्लोप हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 माइनस 4 के। तो हमारे पास ये जो स्लोप आई है किसकी, एल ए लाइन की जो स्लोप आई है वो हमारे पास किसके बराबर आई है, एल ए लाइन की जो हमारे पास स्लोप आई है वो माइनस फोर के बराबर आई है। अब ये देखिए हमारे पास ये जो इक्वेन बनी थी ये वाली, ये हमारे पास इसकी एक पॉइंट चाहिए था या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि हमारे पास नहीं थी। अब हमें इसकी
एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इस पॉइंट ये जो लाइन गुजर रही है वो क्या स्लोप बना रही है, यानी अगर उसके एक्स में चेंज कितना आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट वाई में कितना चेंज हो रहा है, तो हमें इसकी स्लोप मिल गई है। ये जो पूरी एल ए लाइन है इसकी स्लोप मिल गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास लिखा हुआ वाई इक्वल टू हमारे पास माइनस, मैं इधर लिखता हूँ हमारे पास लिखा हुआ है माइनस, हमारे पास वन प्लस के, ठीक है, और डिवाइड कुछ नहीं हो रहा और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा, फिर हमारे पास प्लस के टू। तो अभी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो एक्स मीन ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, स्लोप लिखी हुई है, ठीक है, ये एल ए लाइन की, ठीक है, और हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है इसका, ये हमारे पास इसका लिखा हुआ है क्या कहते हैं इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन की जो स्लोप है वो मैंने इसकी मदद से निकाली क्योंकि इसके परपेंडिकुलर थी, तो ये स्लोप हमारे पास एल ए लाइन की लिखी हुई है और ये भी एल ए लाइन की लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये आपस में बराबर होंगी। फिर हमारे पास क्या होगा, वन प्लस के इक्वल टू ये स्लोप हमारे पास इसके बराबर होगी ना, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर ये स्लोप किसकी बता रही थी, इस लाइन की, और इस लाइन की एग्जैक्ट स्लोप क्या थी वो हमें नहीं पता था, मगर ये वाली जो लाइन थी एल ए लाइन वो इसके परपेंडिकुलर थी, और परपेंडिकुलर का जो इसकी स्लोप हमने निकाली और इनकी इसकी स्लोप और इस वाली लाइन की स्लोप हमारे पास माइनस वन के बराबर होती है, ठीक है ना। तो मैंने उसके प्रोडक्ट से इस वाली लाइन की स्लोप निकाली और जो कि हमारे पास किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी माइनस फोर के, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास माइनस है, ये भी माइनस, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वन प्लस के इक्वल टू माइनस और प्लस फोर, और ये हमारे पास वन जो राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, तो वन राइट साइड पर जाके फोर से माइनस होगा, तो हमारे पास के की जो वैल्यू आई है थ्री आई है। तो हमें वाई इक्वल टू हमारे पास के की वैल्यू क्या आई है, तीन आई है, तो हमारे पास ये इक्वेजन क्या हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेजन हो जाएगी वाई इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए वाई इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस एक्स और के की वन प्लस थ्री, के की वैल्यू क्या आई है थ्री आई है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, ठीक है, माइनस फोर, और सही है ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस के की वैल्यू क्या आई है थ्री मल्टीप्लाई टू, यानी के की जगह थ्री पुट करूँगा और ये मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो इक्वेजन आ गई है किसकी, एल ए लाइन की, एल ए लाइन की क्या आ गई है इक्वेजन आ गई है, ठीक है, स्टूडेंट्स ये हमारे पास एल ए लाइन की क्या आ गई है इक्वेजन आ गई, ठीक है। अब हमें एक और लाइन की इक्वेजन चाहिए, फिर हम इसका x और y कंपेयर करके x और y निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए अब मुझे चाहिए इसकी इक्वेजन, तो अब हमारे पास ये किस पेरेंट लाइन का हिस्सा है, हमारे पास L3 और L2 लाइन से पास कर रही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा L2 प्लस हमारे पास k मल्टीप्लाई L3 और इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये k क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास थर्ड लाइन जो पास कर रही है LB, ठीक है ना, और के की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारे पास इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास इस पॉइंट से पास करी, तो ये पॉइंट नहीं है, मगर हमें ये पता है कि ये इसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इस लाइन की हमारे पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप पहले स्लोप निकालो या कुछ भी निकालो, मैं पहले स्लोप निकाल लेता हूँ। मैं जो हमारे पास ये जो एल बी लाइन है इसकी जो स्लोप क्या होगी, एल बी एम यानी इसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, तो इसकी स्लोप मल्टीप्लाई हमारे पास जो L1 लाइन है, ये L1 लाइन जा रही है ना, जी L1 लाइन है, तो मल्टीप्लाई L1 लाइन यानी M1 स्लोप इक्वल टू माइनस वन के बराबर होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है, ये माइनस वन और ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए मैं L1 लाइन जो है हमारे पास M1 स्लोप में कैसे निकालूंगा, पहले तो M1 स्लोप चाहिए वो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास L1 लाइन की जो इक्वेजन है वो गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ y सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x राइट साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस एक्स और हमारे पास प्लस में जीरो अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट या जो c होता है उसको ऐड करवा लूँ, तो हमारे पास इस लाइन की जो स्लोप आई है वो हमारे पास क्या आई है, y मैंने सेपरेट करा तो ये माइनस वन इसके साथ कोफिशेंट है, तो हमारे पास जो m1 की जो स्लोप आई है वो माइनस वन के बराबर है, ठीक है, माइनस वन के बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एल बी एम मल्टीप्लाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, और हमारे पास एल बी एम जो स्लोप हो जाएगी ये हमारे पास नीचे आके माइनस वन इधर भी गिवाई होगा, माइनस वन इधर भी, तो हमारे पास ये कैंसिल और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस वन,
तो हमारे पास इसकी जो स्लोप आई है किसकी, हमारे पास ये जो हमारे पास एल बी लाइन की जो स्लोप आई है वो हमारे पास प्लस वन आई है। हमारे पास क्या आई है, प्लस वन। तो हमारे पास इसकी जो स्लोप आई है मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या आ गई, एल बी एम जो लाइन है इसकी जो स्लोप है हमारे पास वन के बराबर आई है। अब स्लोप मिल गई है हमें, अब स्लोप मिल गई है, अब हमें क्या करना है, इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास आ गई है। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, देखिए मैं स्लोप पहले इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए हमारे पास होगा ये कुछ इस तरह से, L2 की हमारे पास क्या है ये देखिए, ये हमारे पास L3 और L2 लाइन है, इनसे पास कर रही है LB। तो हमारे पास जो L2 लाइन है वो हमारे पास क्या है, X एक हमारे पास X इक्वल टू जीरो है ना, तो हमारे पास 2 इधर आ जाएगा तो माइनस, ठीक है। और हमारे पास ये हमारे पास इक्वल टू जीरो, तो ये क्वेन आ गई, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस टू मल्टीप्लाई और सॉरी प्लस K। और हमारे पास L3 की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x हमारे पास माइनस फोर, फिर हमारे पास है प्लस ट्वेल्व और हमारे पास ये आ गए, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस टू और हमारे पास प्लस k मल्टीप्लाई x, फिर हमारे पास माइनस k फोर माइनस फोर के वाई प्लस हमारे पास k ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, और ये इक्वल टू जीरो था, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, x और हमारे पास x प्लस ये वाली चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ, ये हमारे पास क्या था जी टू, और हमारे पास क्या था के एक्स, ठीक है, फिर हमारे पास माइनस फोर 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 के वाई, ठीक है, फिर हमारे पास क्या था मैं इधर लिख देता हूँ प्लस के ट्वेल्व माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वो इक्वेजन आ गई है हमारे पास एल एल बी लाइन की, एल बी लाइन की इक्वेजन आ गई है, कैसे अभी नहीं आई है, अभी मैं इसको अंदर से वाई से एक्स सेपरेट करता हूँ, तो एक्स सेपरेट करूँगा तो मेरे पास वन प्लस एक्स बार आ गया, तो वन बचा है हमारे पास, सिर्फ क्या बचेगा एक्स बार आ गया, तो हमारे पास के और हमारे पास फिर माइनस फोर के वाई प्लस हमारे पास के ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या बता रहा है, ये हमारे पास ए आ गया है, ये चीज़ ए और ये हमारे पास एक्स ये था, और ये हमारे पास क्या है देखिए हमारे पास वाई और ये बी की वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस फोर हमारे पास सी कोसाइन, ठीक है। अब इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, तो देखिए हमारे पास हो जाएगी माइनस वन प्लस के, ठीक है, और हमारे पास ये राइट साइड पे ले जाऊंगा इसको छोड़ के, तो हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा के ट्वेल्व माइनस टू इक्वल टू, ये जो चीज़ है मेरे पास उसके कहाँ पर आ जाएगी, फोर के वाई, ठीक है। और मुझे तो सिर्फ वाई सेपरेट करना है, तो वाई इधर आ जाएगा और हमारे पास के फोर जो है ना, हमारे पास K4 इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, K4 इससे भी डिवाइड होगा और K4 इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। हमारे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी X और हमारे पास मल्टीप्लाई K X, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था K4, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए K कैसे कैंसिल और हमारे पास ये क्या कहते हैं डिवाइड हो जाएगा किससे, 12 डिवाइड होगा 4 से, तो हमारे पास प्लस क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी माइनस टू डिवाइड बाय के, तो माइनस टू डिवाइड होगा 4 पर, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा माइनस वन और डिवाइड बाय हमारे पास के टू, ठीक है, और इक्वल टू वाई, ठीक है। और ये हमारे पास अगर इस चीज़ को मैं राइट साइड पर लिखूँ तो हमारे पास ये लिखी हुई है हमारे पास वन प्लस हमारे पास लिखी हुई है वन प्लस के, ठीक है, और डिवाइड किससे हो रहा है के फोर से, और हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई और फिर हमारे पास प्लस क्या है, प्लस है हमारे पास थ्री और हमारे पास माइनस वन ओवर के टू इक्वल टू, बस इक्वल टू ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेजन किसकी है, ये इक्वेजन जो है हमारे पास ये जो इक्वेजन लिखी हुई है, ये हमारे पास एल एल बी लाइन की इक्वेजन लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या आ गई है, स्लोप आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गया उसका वाई इंटरसेप्ट, और ये थ्री थ्री जो है ना इससे बाहर है, ये थ्री बाहर है, ठीक है ना, ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास ये जो है ना, बल्कि देखिए इधर आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, अब इसको मैं ऐसे करके लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये माइनस हमारे पास वन के टू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं और माइनस होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये स्लोप आ गई है एल बी लाइन की और ये उसका इंटरसेप्ट आ गया, मगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या थी, वो पैरेलल थी, तो हमारे पास जो एल बी लाइन थी उसकी जो स्लोप थी वो क्या थी, वन थी, और ये भी हमारे पास स्लोप लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास
वन प्लस के इक्वल और डिवाइडेड बाय के फोर इक्वल टू, ये वन के बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास इसकी स्लोप पूरी तरह से अभी नहीं थी, मगर हमने ये इसके परपेंडिकुलर थी, तो इस वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये इसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा वन प्लस के, और हमारे पास ये के फोर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा फोर के, ठीक है ना, के फोर या फोर के बात एक है, ठीक है। और हमारे पास के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा वन बचेगा, और हमारे पास फोर के माइनस, फोर के माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा सिर्फ के, तो हमारे पास ये कितना बचेगा के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वन इक्वल टू थ्री के, ठीक है। और हमारे पास अगर k सेपरेट करूँगा थ्री वन से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वन ओवर थ्री, तो k की जो वैल्यू आई है वो वन ओवर थ्री आई है, k इक्वल टू वन ओवर थ्री, ठीक है, वन ओवर थ्री आया। और अब इस वैल्यू के अंदर मैं पुट करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी y, और हमारे पास वन प्लस k की वैल्यू क्या है वन ओवर थ्री, ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू क्या है वन ओवर थ्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाय k की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है वन ओवर थ्री, ठीक है, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है फोर से, ठीक है, फिर हमारे पास इससे x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, फिर हमारे पास प्लस थ्री माइनस वन और डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या है वन ओवर थ्री और मल्टीप्लाई हो रही है टू से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको मैं इरेज करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसको हम देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास लिखी हुई है वन ओवर वन प्लस वन ओवर थ्री और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक्स से, ठीक है ना, एक्स को अभी छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे थ्री आएगा तो ऊपर भी आएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा और प्लस वन और नीचे डिवाइड क्या हो रहा है थ्री, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री थ्री प्लस वन और हमारे पास डिवाइड बाई थ्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर ओवर थ्री, फोर ओवर थ्री, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी फोर ओवर, इसको मैं यहाँ लिखूँ तो फोर ओवर थ्री और फोर ओवर थ्री, ठीक है ना, फोर ओवर थ्री और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स है, और एक्स को मैं पहले यहीं लिखता हूँ, ठीक है, एक्स को मैंने यहीं लिखा, और ये चीज़ अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है वन थ्री मल्टीप्लाई फोर, तो फोर वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर ओवर थ्री, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या हो रहा है प्लस, प्लस हमारे पास है, इस चीज़ को मैं ज़रा सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास लिखी हुई है थ्री माइनस वन ओवर थ्री, फिर वन माइनस हो रहा है और ये पूरी चीज़ लिखी हुई है वन ओवर थ्री और मल्टीप्लाई टू, तो हमारे पास देखिए टू जो है वन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा टू ओवर थ्री, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो थ्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, कैसे होगा, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है वन डिवाइड टू बाय थ्री, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास थ्री नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा टू नीचे, तो हमारे पास ये वन से मल्टीप्लाई होगी किसके बराबर हो जाएगा थ्री ओवर टू, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास किसके बराबर आएगी थ्री ओवर टू के, ठीक है, थ्री ओवर टू के, तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ थ्री ओवर टू, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है थ्री बाई टू। अब हमारे पास इसको मुझे ऐड करना है तो इसके नीचे भी टू लेके आऊँगा ऊपर भी टू लेके आऊँगा, तो मेरे पास फिर ये मज़ीद क्या हो जाएगी ये चीज़, ये मेरे पास मज़ीद फिर हो जाएगी, देखिए ये मेरे पास क्या हो जाएगी, देखिए ये मेरे पास हो जाएगी सिक्स माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई टू, और सिक्स माइनस थ्री हमारे पास छः में से तीन जाएगा तो फिर क्या बचेगा तीन बचेगा और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगी प्लस में हमारे पास ये पूरी चीज़ थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको देखिए मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से, बल्कि इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मेरे पास क्या होगा, तो इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू हमारे पास फोर बाय थ्री और हमारे पास डिवाइडेड बाय फोर बाय थ्री और हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई और प्लस हमारे पास थ्री डिवाइड बाय टू। और अब ये देखिए हमारे पास मज़ीद क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये लिखा हुआ है फोर बाई थ्री और डिवाइड क्या हो रहा है इससे, ये डिवाइड हमारे पास हो रहा है फोर बाई थ्री, ठीक है। तो फोर बाई थ्री मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री ऊपर फोर नीचे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा वन बचेगा, तो इसका मतलब है ये वन है, तो वाई इक्वल टू हमारे पास वन मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स वन से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ एक्स प्लस हमारे पास थ्री डिवाइडेड बाई टू। और अगर मुझे टू टू इसके नीचे टू इसके नीचे भी लेके आना तो ऊपर टू भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये टू मेरे पास हो जाएगा टू मेरे पास टू एक्स और डिवाइडेड बाई होल टू। तो हमारे पास ये इक्वेन थी एल बी की इक्वेन आ गई है, ये हमारे पास किसकी इक्वेन आ गई है एल बी की, और एल वन की जो इक्वेन थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी ये वाली,
तो हमारे पास जो एल ए की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, ये हमारे पास एल ए की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y इक्वल टू हमारे पास माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास एल बी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वो जो एल क्यू टूट थे दोनों ट्राइंगलों के, यानी हमारे पास वो जो तीनों लाइनें जा रही थी ऊपर, एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, तो ये इसके एल क्यू टूट आ गए। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन किसके आई, एल क्यू की। अब जब दोनों की एल क्यू टूट आ गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो है, ये जो एक्स और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्टिंग करी दोनों के एक्स और वाई के लोकस पॉइंट के, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि इसका ये जो x और y पॉइंट है वो ये वाला है, और इसका भी जो x और पॉइंट है वो ये वाला है। अब दोनों इंटरसेक्टिंग है, अब दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये भी y के बराबर है, ये भी y के, तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास माइनस 4x और हमारे पास 6, 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और जब 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये माइनस 8 हो जाएगा प्लस हमारे पास 12, ठीक है। और ये हमारे पास है 8x है, ये 8x हो जाएगा, ये राइट साइड पे लेके लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो 2x प्लस हमारे पास 8x इक्वल टू हमारे पास 12 प्लस में, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x, हमारे पास कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 9, 10 इधर से भी डिवाइड करूँगा, 10 इधर से भी, तो 10 से कैंसिल, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 9/10, ठीक है। और इस 9/10 को मैं किसी में भी पुट कर लूँगा तो मेरे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी, तो x और y जो हमारे पास है वो किसके बराबर आया, तो x हमारे पास आया 9/10 की, और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो y इक्वल टू हमारे पास इसके अंदर पुट करूँगा तो माइनस 4, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 9/10 से, और फिर हमारे पास प्लस 6 है, y इक्वल टू हमारे पास ये 2 से कैंसिल तो 5 बचेगा, और ये 2 से कैंसिल तो माइनस 2 बचेगा, तो हमारे पास माइनस 2 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 18 प्लस 6, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बराबर हो जाएगी, सॉरी इसके नीचे 5 था, ठीक है ना, ये 5 इधर बच रहा था, तो हमारे पास 18/5 प्लस हमारे पास 6, तो 5 इसके नीचे भी लेके आऊँगा, 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो y इक्वल टू हमारे पास ये माइनस था माइनस 18 प्लस हमारे पास 13, तो 30 डिवाइड बाई 5, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जब 30 के अंदर से 18 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा y इक्वल टू हमारे पास बचेगा 12/5, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, 12/5, तो हमारे पास ये जो 12/5 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। और ज़रा मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। इसके पास तो ये देखिए हमारे पास जो ये जो x और वो जो पॉइंट थे, ये वाला जो ऑर्थो सेंटर था वो हमारे पास क्या आया, 9/10 और हमारे पास 12/5, ठीक है। और हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी, तो हमारे पास ये एल बी की इक्वेशन थी और हमारे पास ये एल ए की इक्वेशन थी, दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने एक्स और वाई निकाल ली जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैंने इसका थर्ड एल्टीट्यूड लेने की ज़रूरत मैंने नहीं लिया, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो भी इससे ही पास करता, तो हमें सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए थी और दो लाइनों से ही हमारे पास इंटरसेक्शन आ रही थी, वही थर्ड लाइन की भी इंटरसेक्शन हो गई, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को इस एल की टूट के साथ ग्रो करेंगे, यानी आपके पास ये एल, आपके पास ये एल और आपके पास ये एल टू एल थ्री लाइन है, तो आपके पास एल थ्री लाइन और एल टू लाइन है, जब आप इसको फैमिली ऑफ लाइन में पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है वो भी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास सी भी मौजूद है, यानी ये हमारे पास एल वन लाइन और एल थ्री लाइन का क्या है, फैमिली है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास होगा L1 प्लस आपके पास K मल्टीप्लाई होगा L3, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगा, L3 इक्वल टू 0। अब आपके अंदर आपको मालूम है कि इसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट तो ये गिवन है और दूसरा पॉइंट आपको पता है सी से पास करेगा, तो ये वाली वैल्यू जब आप डालेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन भी आ जाएगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, तो सिर्फ और तो सेंगर फाइंड आउट करना था जो कि हमने कर लिया, तो आपको बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।